State government, जो state government हो, central government हो, बैठ के देखता है. We just want the honorable prime minister to intervene, to bring about peace, to say a few words. आज तक, अभी तक उन्होंने एक word नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला है. नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है. मैं मुकुंदर, अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर मणिपुर हिंसा से प्रभावित परिवारों ने प्रदर्शन किया है. इसमें बड़ी संख्या में मोइती समाज से जुड़े लोग थे, जबकि इससे पहले कुकी समाज से जुड़े लोगों ने भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं. सबकी मांग एक ही है, जो किसी भी हाल में राज्य में शांति बहाल हो. शांति बहाली की मांग को लेकर ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले इन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता भी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने सबसे बड़ा सवाल जो, और इस प्रदर्शन के माध्यम से भी एक सवाल पूछ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं. 45 दिन से मणिपुर में हिंसा जारी है, लगातार हिंसा जारी है. इस हिंसा के बीच नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर इनका सबसे बड़ा सवाल है. जो प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन चाहते हैं वो इस मसले पर कुछ बोलें या शांति की अपील करें. और यही, इसी मांग को लेकर ये लोग दिल्ली आए और इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक मांग पत्र सौंपने का भी कार्यक्रम है. क्योंकि हम जान रहे हैं अमित शाह मणिपुर का दौरा करके आए थे, उसके बाद भी लगातार हिंसा जारी है. इनकी कहना है जो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार पूरी तरह विफल रही है, इसलिए शांति बहाली करने में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री अपनी हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द राज्य में शांति बहाली की जाए. सुनिए इन्होंने क्या कहा है. मणिपुरों की माँ लोग ये सोच के आया था इधर में हम लोग को न्याय मिलेगा. स्टेट गवर्नमेंट से और हमारे MLA से उन्होंने जो बात रखी है इन टर्म्स ऑफ गिविंग पीस टू द स्टेट, वो बात का कुछ उसका कुछ एक्शन नहीं आया है. इसी टाइम हम लोग इतना मुश्किल से, इतना रोड़ा वाला, ये सब मोदी से क्यों नहीं देखता है. हम लोग को हेल्प चाहिए, उसका शांति मिलना चाहिए, हमको हमारे स्टेट को तोड़ने से बचाइए. ये अमित शाह जी आया, बिल्कुल वो आने का समय में गोली बारी चलाता है, घर आग जलाता है, बहुत मारा है ना उसी दिन में भी, नॉन स्टॉप में कंटिन्यूसली मारा, जलाया, सब कुछ किया. अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, शांति लाने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है मणिपुर में. इसीलिए तो अटेंशन के लिए वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग कह रहा है कि आप चुप क्यों हो, आप क्यों नहीं आया, आपका, आपने एक्चुअली ये वायलेंस को रोकने के लिए क्यों कोशिश नहीं किया है. व्हाई यू एक्चुअली यू आर अलाउइंग टू वायलेंस टू कंटिन्यू फॉर इन द इंडियन मैनर. सो दे आर सेइंग दैट, मदर्स आर सेइंग दैट वी वांट पीस एंड बोथ द कम्युनिटीज आर अफेक्टेड, बोथ कुकीज एंड मीटई. एंड ये प्रोग्राम चलते रहेंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा. हमारा जो स्टेट है ये हिल स्टेट है. अगर इस हिल स्टेट को आप, इट्स सराउंडेड बाय हिल्स, सो इस हिल स्टेट को अगर आप अलग कर देंगे तो क्या बचेगा. और हमारे ये स्टेट जो है 36 कम्युनिटीज से मिलजुल कर बना हुआ एक स्टेट है. और इस कम्युनिटी को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट दैट पीस एंड हार्मनी इन द स्टेट विच वॉज देयर बिफोर. हम लोग एक ही साथ में खुशी से रहना चाहता हूँ, ये मोदी जी को अपील करना है हमको. ये सोच के, ये उम्मीद के साथ हम लोग दिल्ली से अपना अपना पैसा निकाल के एक दिन में थोड़ा सा कमा के एक बच्चा लोग को खिलाने वाला माँ आज तो दिल्ली में आ रहा है. क्योंकि हमारा शांति मिलने के लिए उसी को हम प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हम लोग को शांति दीजिए, हमारे स्टेट को तोड़ना मत दीजिए, बिखरना मत दीजिए. बंदूक के पास साथ में पीस नहीं हो सकता है, बोथ द ग्रुप्स शुड बी डिसआर्म. यही है हमारा कंसर्न. इट्स नॉट अबाउट देम एंड अस, इट्स नॉट अबाउट एनी एथनिक क्लैशेस, इट्स नॉट अबाउट एनी फाइट बिटवीन कम्युनिटीज. वी जस्ट वांट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू इंटरवीन, टू ब्रिंग अबाउट पीस, टू से अ फ्यू वर्ड्स. आज तक, अभी तक उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला है. यहाँ पे 100 से ऊपर लोग मर गए हैं तो एक शब्द नहीं बोला गया है. तो इस बात को लेकर हमारे इमा मार्केट के इमा जो है बहुत दुख से, बहुत विद अ वेरी हैवी हार्ट दे आर हियर टू एक्सप्रेस एंड टू यू नो टू रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर टू इंटरवीन एंड गिव अस अ सॉल्यूशन. I think there is a suspicion that the government is actually playing a politics in this point of time. So they are saying don't do politics at this point of time and do justice and ensure peace.